मैं श्रुति का स्वागत है आपका कुक विद श्रुति का चैनल में, जहां आपको देखने मिलेंगी नई नई रेसिपीज हर बुधवार, शुक्रवार और रविवार। आज हम बनाने वाले हैं आलू टिक्की बर्गर एकदम मैकडॉनल्ड्स स्टाइल में। मैकडॉनल्ड्स में हम आलू टिक्की बर्गर खाते हैं तो बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, वही बर्गर हम आसान तरीके से घर पे भी बना सकते हैं और ज्यादा पैसे भी नहीं खर्च होते। तो चलिए जल्दी से इसकी रेसिपी देखते हैं। तो तीन आलू को मैंने उबाल लिया है, उसको अभी हम कद्दूकस करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि आलू को बहुत ही ज़्यादा उबालना नहीं है, थोड़ा सा कड़क होना चाहिए। और फिर हमने लिया है आधा कप पोहा, उसको हमें पानी से अच्छे से धो लेना है एक दो बार, और फिर इसको 15 मिनट के लिए ऐसे ही रख देना है। फिर पैन में हम लेंगे 2 टेबल स्पून बटर, उसको मेल्ट होने देंगे। उसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा भून लेंगे इसको। और फिर इसमें डालेंगे हरा वटाना, जो मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया है। जो नॉर्मल हरा वटाना होता है ताज़ा वाला, वो अवेलेबल होगा तो आप वो यूज़ कर सकते हो। मैंने इसको भिगो के एक बार बॉईल कर लिया है कुकर में। तो इसमें अभी हम डालेंगे 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च पाउडर, हल्दी और चाट मसाला। अभी इसको हम एकदम अच्छे से मैश करते हुए मिक्स करेंगे और फिर इसमें डालेंगे जो आलू हमने कद्दूकस करके रखा हुआ था वो इसमें डाल देंगे। और जो पोहा हमने भिगो के रखा था उसको हमें अच्छे से मसल कर इसके अंदर डालना है। पोहा के वजह से ये जो आलू टिक्की है उसको अच्छा शेप पकड़ता है। तो इसको अभी हम मिक्स करेंगे और फिर इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये आलू का मिक्सचर हमारा तैयार हो जाएगा। इसको हमें बोल में निकाल के रखना है और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आने देना है। गरम गरम इसकी टिक्कियाँ नहीं बनानी है। तो अभी हम एक कोटिंग बना लेंगे, तो उसके लिए मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर और उसमें डालेंगे हम मैदा और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसको मिक्स कर लेना है और इसकी स्मूथ पेस्ट बना लेनी है। बहुत एक साथ पानी नहीं डालना है इसमें, तो ये ऐसे पेस्ट हमें बना लेनी है। और फिर काले मिर्च पाउडर और नमक डालेंगे हम इसमें। तो ये पेस्ट तैयार हो चुकी है और हमने ब्रेड क्रम्स जो है वो भी तैयार कर लिए हैं। तो हाथों का अभी हम तेल लगा लेंगे और आलू टिक्की बना लेंगे। तो बर्गर का जो पाव है उससे थोड़ा सा छोटा हमें ये आलू टिक्की बनानी है, तो उतना ही गोला हमें लेना है। अगर आपका आलू का ये जो मिश्रण है वो एकदम पतला बना है और आप शेप नहीं दे पा रहे हो तो ये मिश्रण में आप सूखा मैदा डाल सकते हो, तो ये अच्छे से शेप पकड़ेगा। तो अभी मैंने इसको गोलाकार आकार का शेप दे दिया है और इसको अभी हम सूखे मैदे से कोट कर लेंगे सारी तरफ से। और शेप अगर आपका बराबर से गोल नहीं बन रहा है तो एक ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, एक ऐसी कटोरी आप ले सकते हो, उसके अंदर ये आलू का मिश्रण डाल दीजिए, अच्छे से इसको प्रेस करिए और इसको उल्टा करके इसको निकाल दीजिए, तो ये अच्छे से आपका गोल अच्छा शेप बनेगा। और फिर इसको बाद में आप मैदा से कोट कर लीजिए जैसा हमने पहले किया था। और फिर अभी हम इसको कोट करेंगे ये जो कॉर्नफ्लावर और मैदा का पेस्ट हमने बनाया था उससे। हमें इसमें ये टिक्की को पूरी तरह से अंदर नहीं डालना है, ये पेस्ट के अंदर हम चम्मच से ही इसको पूरा कवर कर लेंगे, क्योंकि अगर टिक्की पूरी हम इसमें डाल देंगे तो इसको उठाना मुश्किल हो जाएगा और वो एकदम पतली बन जाएगी। तो इसलिए चम्मच से ही हम इसके ऊपर पूरा ये पेस्ट से कोट कर लेंगे और फिर हम इसको ब्रेड क्रम्स से कोट करेंगे। तो सारी तरफ से ब्रेड क्रम्स अच्छे से लग जाने चाहिए। हाथ से हमें इसको प्रेस करना है ताकि ये ब्रेड क्रम्स निकले ना, और फिर इसको थोड़ा सा आकार में दे देना है गोलाकार। तो ये आलू टिक्की तैयार हो चुकी है, इसको हम 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। तो ये टिक्कियाँ हमने ऐसी तैयार कर ली है और 15 मिनट के बाद फ्रिज से निकाल लिया है।
तेल भी अच्छा गरम कर लिया है हमने और अभी हम इसको डीप फ्राई करेंगे। अभी हमें इसको मीडियम फ्लेम पे ही डीप फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी बने, और इसको डालते ही तुरंत पलटना नहीं है, अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देना है और फिर हम इसको पलटेंगे। तो दोनों तरफ से इसको एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए तैयार हो चुकी है और ये बहुत ही क्रिस्पी बनती है, आप आवाज़ सुन सकते हो। तो ऐसी ही हम सारी जो आलू टिक्कियाँ है वो तैयार कर लेंगे, बहुत क्रिस्पी बनती है और इसको आप ऐसे ही खा भी सकते हो। तो आलू टिक्की तैयार हो चुकी है, अभी हम जो बर्गर का पाव है उसको बीच में से काट लेंगे और पैन में डालेंगे बटर और इसके ऊपर हम ये पाव जो है सेक लेंगे। तो ये देखिए पाव भी हमने अच्छे से सेक लिया है, अभी हम ये बर्गर बनाएंगे। तो उसके लिए हम पहले सॉस बना लेंगे। तो सॉस के लिए मैंने लिया है 2 टेबलस्पून मेयोनीज़ और उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून टोमेटो सॉस। तो ये हमारा बर्गर का जो सॉस है वो तैयार हो जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, और जो 2 पाव हमने सेक लिए हैं उसके ऊपर दोनों पे हम ये जो मेयोनीज़ का मिश्रण है वो लगा देंगे। दोनों पे हमें लगाना है, अच्छी तरह से पूरा कवर कर लेना है। और इसके ऊपर अभी हम रखेंगे लेट्यूस का एक पत्ता और प्याज के प्याज हमने काट लिया है 2। प्याज को आप नमक के पानी में डुबो के रख सकते हो 15 मिनट के लिए। फिर हम डालेंगे टोमेटो के स्लाइस और फिर ऊपर डालेंगे आलू टिक्की और उसके ऊपर डालेंगे एक चीज़ का स्लाइस और ऊपर से अभी ये दूसरा जो पाव है उसको रख देंगे और अच्छे से प्रेस कर देंगे। तो ये हमारा एक बर्गर तैयार हो चुका है, वैसे ही हम दूसरा भी तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा आलू टिक्की बर्गर तैयार हो चुका है। तो ये आलू टिक्की बर्गर की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और ये वीडियो अगर ज़रा भी पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।